अस्सलाम वालेकुम, नानी हाउस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है मूंग दाल कचौरी। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा ली हूँ। उसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ से मसल कर डालूँ। 1 टीस्पून नमक, मोइन के लिए घी, इसको मैं अच्छी तरह से मिलाकर मैं पूरा डाल दूँ। आप लोग तेल भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर राई का तेल नहीं डालना, दूसरा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसको डालकर मैं अच्छी तरह गूंदूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैं इसे मिक्स करके ऐसा ये बन जाना लड्डू के सर का। बनने के बाद अब मैं पानी डालकर इसको गूंदूंगी, नॉर्मल पानी। देखिए, इस तरह से टाइट आटा मैंने गूंद के रखी हूँ। अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी। अब इसका मसाला बनाऊंगी। देखिए, ये 100 ग्राम मूंग की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे भिगने डाल के रखी, भिगने के लिए रखी थी। अब मैं इसको दरदरा सा पीसूंगी, पीस कर फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से ये दरदरा पीसना, एकदम बारीक नहीं करना, पानी नहीं रख के ऐसा ही मोटा मोटा पीसना। अब मैं इसमें एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालूंगी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून। अब इसके अच्छा पक जाने पर मैं बेसन डालूंगी। मैं बेसन डाल के अच्छा भूनूंगी, 1 टेबल स्पून। अच्छा भूनने पर अब मैं इसमें दाल डालूंगी। दाल को अच्छी तरह भूनूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। दाल को अच्छा भूनने पर अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। वन टीस्पून चाट मसाला, अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आपको कितना तीखा लगता है आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 हरी मिर्ची को मैं कट के डालूंगी, धनिया भुना कोटा धनिया 1/2 टीस्पून, चलिए बस, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल चिल्ली, थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ में क्रश करके डालना, इसकी डंठल नहीं डालना। इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। थोड़ा ये दिख रहा है, मैं तेल डालूंगी। थोड़ा सूखा दिख रहा है, उसी लिए मैं 1/2 टीस्पून तेल डालूंगी।
देखिए इस तरह से होना चाहिए। मैं इसमें आधा नींबू का रस भी डाली हूँ, आपको बताने भूल गई। आप भी इसी तरीके से बनाइए, अच्छा दाल सूख जाना ये। अब मैं इसके बॉल्स बना के आटे में भरकर फिर मैं तलूंगी। अब ये अच्छी तरह सूख गई, अब इसको ठंडा करने रखूंगी। देखिए वो गरम गरम में मैं इस तरह से लड्डू बना ली। ये बनाने से आसानी होती है फिल करने। अब मैं एक आटे की लोई लूंगी, उसको ऐसा चपटा करूंगी, हाथ से ही करना, बेलन से नहीं करना। अब मैं उसमें एक ये उठा के डाल के उसको चारों तरफ से बंद कर दूं। थोड़ा तेल का हाथ लगाती, थोड़ा आटा सूख गया। हाथ से ऐसा चपटा कर, हाथ से ही बड़ा करना। अब 4 बजे के नाश्ते में बनाइए, कोई मेहमान आए तो बनाइए, बाहर से लेने की जरूरत नहीं। आलू की बनती है, प्याज की बनती है, खैमे की भी बनती है। इंशाल्लाह एक रोज खैमे की बनाऊंगी। देखिए अभी हमको बड़ी चाहिए तो और जरा आटा ज्यादा लेना। मैं कढ़ाई में तेल डाली हूं, अब इसको मैं धीमी आंच पर तलना है। इसको ज्यादा तेल गरम नहीं रहना, ठंडे तेल में ही तलना। पहले दो दो तलती हूँ, आपकी कढ़ाई में कितना आता है उतना तल। इसको दालते के साथ पलटाना नहीं, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। एक 5 मिनट के बाद उसको टर्न करना। देखिए मैंने इसको धीमी आंच पर एक 5 मिनट तक पकाई ताकि वो अंदर से भी पक जाए, कच्ची ना रहे। अब मैं इसको निकालती हूँ। समोसे को भी इसी तरह तलो धीमी आंच पर, तभी क्रिस्पी होते हैं। देखिए कचौरी को मैंने तल दी हूँ, ये बनकर तैयार हो गई है कचौरी। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। देखिए मैं इसमें हरी चटनी डालूंगी, वो मैंने आपको दिखाई हूँ हरी चटनी किस तरह से। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची, जीरा, लहसुन, थोड़ी सी इमली डाल के मैंने पीस दी हूँ। अब ये गुड़ इमली की चटनी है, ये डालूंगी। 2 डालूंगी। मैं थोड़ी सी शव डालूंगी इसके ऊपर। लीजिए बनकर तैयार हो गई है कचौरी। आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।